चंद सैयद बुखारी भी लोग, सुबह हो गई है और फजर की नमाज का टाइम हो गया है। नाश्ते का टाइम हो गया है तो मैंने सोचा है कि टाइम दी मैं नाश्ता बना लूं। घी वाली रोटियां बना रही हूं और साथ में ऑमलेट बनाया है जिसे बच्चे शौक से खाते हैं। हम लोग भी साथ में मुरब्बा अचार और ऑमलेट खा लेते हैं। इसके बाद मैंने दूध बॉयल किया। आज जुम्मे है तो आज मैंने मोनाली के नाम का रोज़ा रखा है और सोच रही हूँ दूध बॉयल करके दूध सोडा बना के सबको मैं बांट दूँ। तो ये मेरी हैबिट है, मैं हर फ्राइडे को हाफ डे के लिए रोज़ा रखती हूँ और कुछ ना कुछ बना के सब में बांट देती हूँ। तो मैं अब ये दूध बनाने लगी हूँ। आप देखें आज की मेरी एक्टिविटी। जी तो आज मैंने सोचा कि आज मैं क्रीम बना लेती हूँ और क्रीम बनाने की जो रेसिपी है वो मैं आपसे आज शेयर कर लेती हूँ। ब्लॉग अमीरा जो है आज आप देख रहे हैं, मैं डिफरेंट काम में लगी हुई हूँ तो आपको मैं रेसिपी बताने लगी हूँ। तो चम्मच हम कॉर्न फ्लोर की लेंगे। और 2 चम्मच हम चीनी के लेंगे। दो कप हम ताजा मिल्क लेंगे। इसे दरमियानी आंच पे ठहराएंगे और ऐसे कंटिन्यूसली हम मिक्स करते रहेंगे ताकि जो हमारा कॉर्नफ्लोर है और चीनी है मिल्क है वो सही से मिक्स हो जाए आपस में। जी तो हम इसको ऐसे मिक्स करते रहेंगे इसे दरमियानी लाइट सी आंच पर, बल्कि बिल्कुल ही आपने लाइट आंच रखनी है और ऐसे मिक्स करते रहना है जब तक ये हमारी क्रीम गाढ़ी नहीं हो जाती। जी तो ये मिक्स हो रही है और मैं आपसे ये कहती हूँ कि मेरी जो व्लॉग्स हैं अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें और मेरी जो वीडियोस हैं उनको लाइक भी किया करें और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसे लगती हैं। और कुछ आपको फरमाइश करनी हो तो आप कर सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ भी बना के दिखा सकती हूँ, रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज क्रीम बना लूँ। तो ये क्रीम जो है ना वो हम फ्रूट चाट में यूज़ कर सकते हैं, क्रीम फ्रूट चाट बना सकते हैं, सैलेड बना सकते हैं, दही बड़ों में डाल सकते हैं और वाइट चिकन भी आप जैसे वाइट चिकन बनाते हैं तो बस उसके लिए ये है कि इसमें हमने चीनी ऐड की है तो उसमें हम चीनी ऐड नहीं करेंगे। बाकी ऐसे क्रीम बना के आप वाइट चिकन भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है आज और बल्कि करने जा रही हूँ। क्या आप याद रखेंगे, इतनी सस्ती रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी बिकॉज क्रीम इतनी महंगी है, महंगाई का दौर है और पता ही नहीं लगता हम 200-250 का जो डब्बा है वो मिनट में ख़त्म हो जाता है। जी
हमारी जो क्रीम है वो गाढ़ी हो गई है इस तरीके से। जब ये गाढ़ी हो जाए तो हम नेक्स्ट जो स्टेप है वो लेंगे। मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है ना उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी जो वीडियो आएगी न्यू तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आप नोटिफिकेशन से मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब हम इसमें देखें ये कितनी गाढ़ी हो गई है, तो अब हम इसमें जी मलाई ऐड करेंगे। जो यूजुअली हमारे दूध में मलाई बन जाती है, तो उसी से ही हम 2 से 3 चम्मच हम मलाई के निकाल के इसमें डाल देंगे और इससे बहुत ही परफेक्शन आ जाएगी हमारी क्रीम में। अब देखेंगे 2 से 3 चम्मच में ही हमारे और एक दो जो है हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं तो उनसे कितनी अच्छी हमारी रेसिपी बनने जा रही है और काम की रेसिपी बनने जा रही है। ये देखिए मैं इसमें मैंने मलाई डाल दी है और फिर से मैंने इसे मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारी जो क्रीम है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल रहे हैं। इसे हम 1 महीने या 15 दिन में तक हम स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में और हम मज़े ले सकते हैं। इतनी सस्ती क्रीम हमें बाज़ार में जो 250 के डब्बे में मिलती है, अब हम घर में इजली बना सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। तैयार हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने ही फ्रूट चाट बना लूं और उसमें क्रीम डाल के अभी ही मज़े ले लूं। रहा नहीं गया कि क्रीम बन गई है, तो अब मैं क्रीम चाट भी बना के वो खा लूं। शाम हुई तो मेरा दिल किया कि हम आउटसाइड चले जाएं, थोड़ा आउटिंग कर लेंगे। तो सातवाती बेकरी अरोमा पे हम चले गए। वहाँ पर हमने बच्चों के लिए कुछ स्वीट्स और कुछ पेस्ट्रीज वगैरह दी। उसके बाद यहाँ इसकी अरोमा के बेसमेंट में हम चले गए और यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। ऊपर बेकरी की ही चीज़ें होती हैं और नीचे खाने पीने के फास्ट फूड और हर तरह के जूसेस, नाश्ता, हर तरह की यहाँ पर चीज़ें मौजूद होती हैं। और मेरा दिल कर रहा था फ्रेश लाइम पीने को, तो हमने फ्रेश लाइम जो है वो ऑर्डर किया और साथ में बर्गर शवारमा दिल कर रहा था तो वो हमने खा लिया। चलें जी आज की व्लॉग में बस इतना ही। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मुलाकात करेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
अना हाफिज़।